हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड एंड लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। शाहरुख खान के मन में जागी एक नई मन्नत, खोलेंगे एसआरके की चाहत का राज। शाइनी आहूजा का पीछा नहीं छोड़ रहा कौन सा भूत, बताएंगे गोस्ट के म्यूजिक लॉन्च पर निकल कर आया कौन सा गोस्ट। आमिर और शाहरुख खान के बीच किस बात पर शुरू हुआ नया कंपटीशन। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का सीक्वल किस वजह से डिले हो रहा है, और सोनम कपूर ने खोला अपने चाइल्डहुड रोमांस का राज। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शाहरुख खान से। शाहरुख खान ने फिल्म क्रिटिक्स की जमकर टांग खिंचाई कि वेल एक रीसेंट इवेंट में एसआरके ने कैसे अपने फिल्म के क्रिटिक्स को खूब सुनाई खरी खोटी। देखिए हमारी फर्स्ट स्टोरी में। मैं चाहूंगा कि हर कोई जो रिव्यू करता है वो फिल्म मेकर बने। जी हाँ, यही है किंग खान की वो मन्नत जो अब तक अधूरी है। अपनी इस मन्नत को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं किंग खान, लेकिन मुसीबत ऐसी है कि किंग खान हर रोज अपने सपने से दूर होते जा रहे हैं। शाहरुख को खुद ही पता है इसकी वजह कि उनका हर क्रिटिक को फिल्म मेकर के तौर पर देखने का सपना क्यों अधूरा है। अरे अभी कितने लोग रिव्यू करते हैं यार। मैं तो कह रहा हूँ, मैं हर सेकंड पर्सन इंडियन होगा, मुझे लगता है हर सेकंड पर्सन जो है अभी रिव्यूइस्ट है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि शाहरुख खान को कौन सा दर्द सता रहा है इन दिनों। रावण को मिले कॉन्ट्रोडिक्टरी रिव्यूज ने किंग खान को ऐसा परेशान किया है कि वो कंफ्यूज हो गए हैं। मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि वो कंफ्यूजिंग थॉट्स होती हैं, क्योंकि एक ही पेपर के अंदर कभी कभी दो रिव्यूज आते हैं और एक ने अच्छा लिखा होता है, एक ने बुरा लिखा होता है। बात यही खत्म नहीं होती। किंग खान को तो लगता है कि रिव्यू करने वाले कई बार ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाते। माई ओनली थॉट इज समटाइम्स इट साउंड्स वेरी पर्सनल टू मी, इट गोज बियॉन्ड द फिल्म। बस इसी वजह से शाहरुख खान की ये नई विश पैदा हो गई है जो शाहरुख खान की दूसरी मन्नत है। जो मिलता है वो रिव्यू ही करता है, so don't include me in that. I'd rather remain a filmmaker. My only thing sometimes to जब लोग रिव्यू करते हैं, जब भी मेरे पुराने दोस्त जो रिव्यू करते थे, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो मैं उनको ये बोलता था कि फिल्म बनाओ यार, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूंगा कि हर कोई जो रिव्यू करता है वो फिल्म मेकर बने, मेरी लाइफ की तमन्ना ये है। well, फिल्म्स को रिव्यू करते वक्त पर्सनल होने वाले क्रिटिक्स पर शाहरुख की बात कितना असर दिखाती है ये तो पता नहीं, लेकिन जब किंग खान से पूछा गया रिसेंटली उनकी फिल्म को डिफेंड करने वाले आमिर खान के बारे में, तो शाहरुख ने डिप्लोमेटिकली बात को टाल दिया। आई थिंक Don2 is produced by XL and his next film is associated with XL also. So I think that is only a natural thing and it's very nice what he said. वैसे यहाँ बात भी गौर करने लायक है कि एक्सेल एंटरटेनमेंट की Don2 को प्रमोट करने अब तक मैदान में क्यों नहीं उतरे हैं किंग खान। क्या उनकी छुट्टी खत्म नहीं हुई है अब तक? well, कल था मुंबई में फिल्म गोस्ट का म्यूजिक लॉन्च, जहां पर पहुंचे संजय दत्त और शाइनी आहूजा। well, क्या कुछ खास हुआ इस इवेंट में, चलिए देखते हैं। यार गोस्ट की बात करो, बिग बॉस की बात मत करो। संजू बाबा गोस्ट की बात करने के लिए कह रहे हैं तो सबसे पहले गोस्ट की बात ही कर लेते हैं। ये है शाइनी आहूजा स्टारर फिल्म गोस्ट। अगर अब भी आप इस फिल्म के बारे में कुछ खास रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको केस हिस्ट्री बता देते हैं। ये वही फिल्म है जिसके लिए शाइनी आहूजा पर अपनी को स्टार सायली से मिसबिहेव करने की खबरें आई थी, लेकिन फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के मौके पर इस इवेंट में एक साथ आने से न सायली को हुई कोई प्रॉब्लम और न ही शाइनी जरा भी अनकंफर्टेबल नजर आए। तो हमने पूछ लिया सायली से कि क्या है पिछले दिनों आई खबरों की सच्चाई। उनके साथ बीच में ऐसे अफवाहें खामखा उठी है और मैंने भी ये छोटी मोटी चीज़ों में एक्सपीरियंस किया है कि खामखा की अफवाहें उठती है, लेकिन ये चूँकि हमने इस चीज़ को पहले से ही जड़ से नहीं हटाया तो इस वजह से ये बड़ी हो गई एंड आई फील वेरी सॉरी। सायली की इस सफाई से शाइनी को जरूर राहत मिली होगी। एक तो पहले ही रेप केस की वजह से शाइनी का करियर मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहां शाइनी को सपोर्ट करने के लिए आगे आने में इंडस्ट्री के कुछ लोग झिझक रहे हैं, वहीं इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर उन्हें सपोर्ट करने पहुंचे संजू बाबा। तो भला शाइनी संजय दत्त का शुक्रिया अदा कैसे नहीं करते। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम एज अ पर्सन फॉर हिम टू कम हियर एंड लेंड अ हेल्पिंग हैंड एंड टू सपोर्ट me a difficult time in my career and I'm very grateful to him for that and also for helping the film. well शाइनी गोस्ट के इस म्यूजिक रिलीज पर जब मीडिया के सामने आए तो सभी शाइनी पर लगे एलिगेशंस के केस का अपडेट जानना चाह रहे थे, लेकिन शाइनी ने उन पर चल रहे केस के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अदरवाइज और करियर ऐसे आगे कहा जाएगा। Don't know myself. I'm taking each day as it comes. I'm just trying to do what I can do for the best. I have to continue working and support my family. एक रियलिटी शो में मधुर भंडारकर ने दिया एक बोल्ड कमेंट। फैन की एक्टिंग से इंप्रेस होकर मधुर ने करीना को रिप्लेस कर डालने की बात की। फुल डिटेल्स कमिंग अप नेक्स्ट। पहले मधुर की फिल्म हीरोइन से ऐश्वर्या हुई आउट, अब हीरोइन से करीना भी होंगी आउट। करीना ने भले ही क्राइसिस सिचुएशन में मधुर भंडारकर की हेल्प करते हुए फिल्म हीरोइन साइन कर ली हो, मगर इसका भी कोई मोल नहीं मधुर की नजरों में। फिल्म हीरोइन से करीना कपूर हो सकती है आउट। I've never asked a producer or a director that what film they're making next because I think it's completely their criteria. I mean, if they want to cast me, they will. If they don't, I mean, that's also fine. I mean, they can take whoever they like. इससे पहले कि करीना के फैंस मधुर पर गुस्सा निकालें, हम इस बात को साफ कर दें कि ऐसा मधुर ने मजाक में कहा है। अर्जुन रामपाल के टेलीविजन शो पर मधुर की एक हेटर आई। अर्जुन ने मधुर को उनसे मिलवाया। इसके बाद मधुर ने उस लड़की से थोड़ी एक्टिंग करवाई। सोर्सेज के मुताबिक ये मधुर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने कह दिया कि करीना की बजाय वो इस लड़की को भी हीरोइन बना सकते हैं। वेल मधुर, होप ये बात सिर्फ मजाक में कही गई है। अगर कहीं बेबो ने इसे सीरियसली ले लिया तो फिर तो आपकी खैर नहीं। और अब आपको देते हैं रणबीर कपूर की सक्सेस पार्टी की एक इंटरेस्टिंग खबर। रणबीर कपूर की रॉकस्टार पार्टी में उनके बॉडीगार्ड और पुलिस वालों के बीच शुरू हो गया झगड़ा। फिर क्या हुआ, खुद देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। देर रात जब रॉकस्टार की सक्सेस पार्टी को सेलिब्रेट किया जा रहा था, जहां रणबीर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे द सक्सेस ऑफ रॉकस्टार, तब हुआ एक हादसा। अक्सर जब किसी एक्टर के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो उनके बॉडीगार्ड आगे आ जाते हैं, पर इस बार हुआ कुछ उल्टा। जब देर रात टाउन में सब सेलिब्रेट कर रहे थे तब रणबीर के एक गार्ड का पुलिस वाले से हो गया झगड़ा। बात हाथापाई तक पहुंच गई और तो और रणबीर के इस बॉडीगार्ड को पुलिस स्टेशन तक ले जाने की बात हुई। पर जिस तरह हर फिल्म में होता है कि हीरो सब ठीक कर देता है, ठीक उसी तरह रणबीर आए बीच में टू सॉल्व दिस मैटर, और उन्होंने बहुत ही प्यार से पुलिस इंस्पेक्टर्स को समझाया और उनसे माफी भी मांगी। फिर क्या था, रणबीर के इस जेस्चर से पुलिस शांत हुई और वहाँ से चली गई। वेल दैट्स कॉल्ड अ ट्रू जेंटलमैन वी मस्ट से। एसआरके और आमिर एक बार फिर आ गए हैं आमने सामने, और इस बार वजह बनी है एक डिटेक्टिव बंगाली फिल्म। कैसे, चलिए जानते हैं। शाहरुख खान और आमिर खान के बीच में लग सकती है फिर एक बार होड़। जी हाँ, होड़ एक बंगाली डिटेक्टिव बनने की, क्योंकि इस बंगाली डिटेक्टिव को प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी किसी इंडियन डायरेक्टर प्रोड्यूसर की नहीं, बल्कि इसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने वाले हैं इंटरनेशनल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, और वो भी ऑस्कर विनर। सोर्सेज की माने तो फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने कोलकाता बेस्ड प्राइवेट डिटेक्टिव राजेश जी के रीमेक के राइट्स खरीद लिए हैं और इसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश डायरेक्टर स्टीफन फ्रेयर्स को दे दी है, जो की अपनी फिल्मों के लिए ऑस्कर अवार्ड तक जीत चुके हैं। वाली फिल्म पहले ही फिल्म फेस्टिवल में काफी तारीफ बटोर चुकी है, मगर जैसे ही इसके साथ ये ब्रिटिश नाम जुड़ा है, इसका नाम कुछ और भी बड़ा हो गया है। फिल्म का नाम भी डिसाइड हो गया है, बंगाली डिटेक्टिव। अब इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तो मिल गए हैं, लेकिन इसमें मेन लीड की तलाश जारी है, और इसमें सबसे पहले दो नाम आ रहे हैं शाहरुख खान और आमिर खान के। शाहरुख खान एक बार अपने करियर में स्लमडॉग जैसी फिल्म को ठुकरा कर गलती कर चुके हैं, तो शायद वो इसे हाथ से न जाने दें, और आमिर का नाम भी इंटरनेशनली काफी पॉपुलर है। आमिर की कई फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन तक भी जा चुकी हैं। आमिर की नजर में तो अवार्ड की मीनिंग ही ऑस्कर होती है। सो लेट्स सी इंटरनेशनल फिल्म की इस जंग में कौन बाजी मारता है, या फिर इन दोनों के बजाय ये प्रोजेक्ट किसी तीसरे के हाथ में चला जाता है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। जूम को पता चला है कि करीना कपूर और अक्षय कुमार आजकल वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल के लिए डेट्स ही नहीं दे रहे हैं। क्या है इसकी वजह, लेट्स फाइंड आउट। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई ऑडियंस को इतनी पसंद आई कि एकता कपूर ने तुरंत इसके सीक्वल का भी अनाउंसमेंट कर दिया। इतना ही नहीं, एक अवार्ड फंक्शन में इसका मुहूर्त शॉट भी हो गया, मगर लगता है कि इसका सीक्वल इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर सोर्सेस की माने तो इसके लीड एक्टर्स करीना कपूर और अक्षय कुमार के पास इस फिल्म के लिए टाइम ही नहीं है। जी हाँ, बात करें करीना कपूर की तो पहले तो करीना ने वंस अपॉन अ टाइम के सीक्वल के लिए हाँ बोल दिया, मगर बाद में उन्होंने मधुर भंडारकर की हीरोइन भी साइन कर ली। अब ऐसे में लगता नहीं है कि करीना के पास मिलन लूथरिया के लिए थोड़ा भी टाइम है। वेल, बात करें अक्षय कुमार की तो उनके पास भी एक के बाद एक करके कई फिल्म्स लाइन में हैं। फिलहाल देसी बॉयज, देन राउडी राठौर, जोकर एंड खिलाड़ी 786। अब इतनी फिल्म्स के बाद अक्षय के पास भला मिलन के लिए कैसे टाइम निकल सकता है। अब मिलन की डर्टी पिक्चर तो 2 दिसंबर को रिलीज हो जाएगी, तो लगता है कि अब वंस अपॉन अ टाइम के लिए उन्हें करना पड़ सकता है एक लंबा इंतजार। सलमान खान करीना से थोड़े नाराज हैं और उसकी वजह है करीना का सलमान पर एक कमेंट। कौन सा है ये कमेंट? वी विल हैव द डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। करीना का एक कमेंट लगा सलमान को बुरा। एक सुपरस्टार के साथ अपना कंपैरिजन नहीं सहन कर पाए सलमान खान, और वो सुपरस्टार भी कोई ऐसे वैसे शख्स नहीं, खुद रजनीकांत। बेबो ने जब सल्लू को रजनीकांत के साथ कंपेयर किया तो ये बात उन्हें खटक गई। दरअसल करीना ने यह कहा था कि सलमान बॉलीवुड के रजनीकांत की तरह है। To me, Salman is the Rajinikanth of Bollywood. His action sequences, his screen presence, and especially his action reminds us of the same Rajinikanth that we saw earlier in Bollywood. मगर सलमान खान इस कंपैरिजन से फ्लैटर्ड होने के बजाय थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं। सलमान ने कहा है कि उन्हें रजनीकांत बुलाना ठीक नहीं, क्योंकि वो अभी उस लीग में नहीं आए हैं जिस लीग में रजनीकांत हैं। सलमान की रजनी के साथ तुलना इस वजह से भी होती है क्योंकि उनके स्टंट्स थोड़े लार्जर देन लाइफ होते हैं। अब वांटेड, दबंग, रेडी और बॉडीगार्ड जैसी फिल्म्स में अपने एक्शन दिखाने वाले सलमान के लिए करीना को कोई और खिताब जरूर सोचना पड़ेगा। सोनम कपूर ने खोला अपना एक टॉप सीक्रेट, वो भी रोमांस से जुड़ा हुआ। क्या है ये सीक्रेट? लेट्स सी इन नेक्स्ट स्टोरी। Imagine Sonam in a romantic scene, but उनके साथ शाहिद, इमरान, अभिषेक या रणबीर कपूर की जगह है सिंगर शान। Weird है ना? But that is what Sonam wanted. Recently, when Sonam met Shaan at a party, उन्होंने Shaan को बताया that जब वो स्कूल में थी तो उन्हें Shaan पर था crush, and she had a big poster of Shaan in her room, and she used to dream about romancing with him. Poor Shaan was visibly blushing, and उन्होंने jokingly कहा that thanks for making him feel not so old. Later on, Shaan was overheard telling his friend that though Sonam is a nice girl, she made me feel really old today. वो बस uncle कहते कहते रुक गई थी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद शाइनी आहूजा करेंगे चिट चैट। शाइनी आहूजा बहुत वक्त बाद एक म्यूजिक लॉन्च में नजर आए और यहाँ उन्होंने हमारे रिपोर्टर रोशनी दुबे के साथ चिट चैट में खोले अपने लाइफ के कई राज। द पास्ट नेवर डाइज, इट किल्स, ये मैं नहीं कह रही हूँ, फिल्म घोस्ट की पोस्टर पे लिखा है और इस बात को हमें पूरी तरह से समझाएंगे शाइनी आहूजा। शाइनी, वेलकम टू जूम। थैंक यू सो मच। ये जो लिखा है द पास्ट नेवर डाइज, इट किल्स, क्या समझते हैं आप इससे? ये फिल्म की कहानी जो है इसमें जो पास्ट होता है दैट कम्स बैक एंड देन इट टेक्स इट्स ओन रिवेंज इन अ सेंस, सो दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट, सो दैट्स व्हाई आई गेस द लाइन। जो हम पोस्टर हम देख रहे हैं काफ़ी डरावना सा पोस्टर लग रहा है, ऐसे स्कैरी लग रहा है, तो क्या है ये फिल्म के बारे में ऑल अबाउट एंड ये क्या कर रहा है ये डरावना चेहरा फिल्म में? आई नो दिस पोस्टर इज़ वेरी स्कैरी, आई एम पर्सनली वेरी स्कैर्ड ऑफ द पोस्टर। दिस इज़ नॉट वन पोस्टर आई कैन put in my house at all because I have a 4-year daughter, yeah. 4-year-old daughter. So it's a horror film, you know. So it's a horror poster. बाकी कहानी जो है वो पिक्चर की वो एक love story है. So what when I read the script, I saw a nice love story in the film. So which is what actually attracted me to the script. Film industry से जो support आपको मिला है वो किस तरह का मिला है? फिल्म इंडस्ट्री से सबसे बड़ी बात ये है कि आज संजू भैया इज़ कम है एंड ही हैज़ कम एंड हमारा पिक्चर का म्यूज़िक लॉन्च किया उन्होंने। इट्स बिन it's so sweet of him. I think he has a heart of gold, and I'm very grateful for him to come here and support me and my film the way he has. And besides that, Sudhir was here. Sudhir Mishra. I did my first film Hazaron Ko Aishiyansi with Sudhir. He's beyond a mentor. He's beyond a friend. So he was here. So I'm very glad and I'm very grateful to everybody who's come in. शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसी तरह की नर्वसनेस हो रही होगी आपको जो पहले आपकी पहली फिल्म के समय जो हो रही है. एक बार आपको फिर लग रहा होगा कि आप फिर से अपना एक करियर शुरू कर रहे हैं. आपका कहना सही है क्योंकि मेरी पहली फिल्म भी जब मैंने शूट कर ली थी तो उसको 3 साल लगे थे रिलीज़ होने में और कठिनाई थी फिल्म के रिलीज़ के वक्त. और आई थिंक सर्कमस्टांस इज सिमिलर बट आई थिंक एज अ पर्सन आई एम टेकिंग इट वेरी डिफरेंटली. यू नो आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड. आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग टू हिज विशेज़, द फेट ऑफ द फिल्म एंड यू नो एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग राइट नाउ. आई एम नॉट प्लानिंग एनीथिंग कि अब मैं ये. There's nothing like that and I'm not even thinking back कि मैंने पहले क्या किया, कोई पिक्चरें ऐसी की वैसी की, मुझे ऐसे करनी. I'm not thinking about all. I'm just here in the present and I'm grateful to God today that I'm standing here with you and being able to talk to you and spend these moments promoting a film that I've done. शायद इस फिल्म में लव स्टोरी जैसी है आपने कहा है, लेकिन कहीं आप किसी को डराएंगे, कुछ ऐसा होने वाला है? ये जो है कैरेक्टर जो है, इनका नाम है जूलिया. शी इज़ अ रशियन एक्ट्रेस. So she's the ghost. अभी तो कुछ भी नहीं है. अभी तो I don't know if anybody can tell any nationality. But yeah, I mean she's the ghost. तो आप कहीं डरेंगे या डराएंगे? आप क्या करने वाले हैं? I'm playing a private detective. His name is Vijay Singh. Vijay Singh comes into the film when a murder happens in a hospital, and as the story progresses, so do the murders. And before he realizes that his own life is also connected with what's going on in the hospital. अगर इस वक्त आपको थैंक्स कहना हो तो उन सारी समय में जो भी जिन्होंने साथ दिया आपको, किसे आप थैंक्स करना चाहें? जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी ऑडियंस ने जिस तरह मेरा साथ दिया, मेरे पेरेंट्स ने, माय वाइफ, एवरीबडी हु इज़ बिन विद मी, गॉड, the media also in whatever way that they could, constrained with what they were hearing, yeah. You know, so I'm grateful to everybody. चलो शाइनी, all the best और हम यही देखें, यही प्रे करेंगे कि आपकी घोस्ट दर्शकों को पसंद आए. Thank you so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको देने जा रहे हैं कोलकाता टाइम्स फ्रेश फेस की फुल अपडेट. वेल, अब हम आपको देने जा रहे हैं कोलकाता टाइम्स फ्रेश फेस रीजनल फिनाले की फुल अपडेट्स. हैव अ लुक. हाल ही में क्लीन एंड क्लियर कोलकाता टाइम्स फ्रेश फेस का हुआ फिनाले, जहां बड़े बड़े कॉलेजेस से कई सारे स्टूडेंट्स ने किया पार्टिसिपेट. क्लीन एंड क्लियर कोलकाता टाइम्स फ्रेश फेस को जज करने आए काफी फेमस पर्सनालिटीज फ्रॉम द इंडस्ट्री. यहाँ पर आए जजेस से हमने बात की एंड दे शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ जजिंग दिस शो. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट एंड वी आर लुकिंग एट लाइक एज अ डिजाइनर आल्सो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फ्रेश फेसेस. सो दिस इवेंट एक्चुअली गेटिंग इन लॉट ऑफ फ्रेशर्स हु आर really talented but don't get a chance to go out of the college and pursue this line. So I think this is like a all in all a nice platform to promote these youngsters. Since the event happens in Kolkata and Calcutta Times is a very known paper over here, so we get to hear a lot. We've been hearing a lot for the past 2 years. I think this is the third year and it's great to see people from colleges, young girls and boys coming up with a lot of zeal. Fashion designer Abhishek Datane ने हमें ये तक बताया कि किस तरह ये platform सभी contestants के लिए होगा beneficial. It's a stepping stone for them. So this is the first initial steps taken by them, so they get the encouragement as well as the platform to come before the audience, come before the media, and from here this is a starting stone. So from here they take it forward, go for print media or as well as television or any other even modeling ramp. So I think it's a stepping stone for them and they'll take it forward from there. इस regional finale के winner से भी हमने बात की and they shared their excitement with us. It feels really great, ecstatic. I can't really write it. I mean, I can't describe it, you know, in words. Feeling excited. Had a good support from the audience out here. And yes, all thanks to Rajat and Kaushik sir out here. As faces of Clean and Clear, Fresh Faces Naina and Ashrita have gotten featured in the advertisements of Clean and Clear Times Fresh Face. Clean and Clear and Fresh Face have enabled young girls to be confident and vibrant. Discover new possibilities with confidence from Clean and Clear. इस regional finale से चुनी गई काफी contestants. After the grand finale, winners will not only receive the Clean and Clear Kolkata Times Fresh Face title, but will also get a chance to star in the next Clean and Clear TV campaign. सिनेमा हो या बिजनेस, आर्ट हो या स्पोर्ट्स, रॉयल्टी हो या फैशन, ये है इंडिया का वन एंड ओनली पर्सनालिटी बेस्ड अवार्ड। यहाँ बॉलीवुड के ग्लैमरस सुपरस्टार से लेकर बिजनेस की दुनिया के बिग डैडीज तक बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज एक साथ दिखाई देंगे। Serum Institute Cyrus Poonawalla Group Hello Hall of Fame Awards. For more on this, tune into Zoom tonight at 9 PM. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 PM for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.